बैटिंग इसलिए लिखी कि रन चेस करना काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि जाहिर है एक अच्छा बैट्समैन पूरे 18 ओवर तो नहीं रहेगा, बाकियों पे रिलाई करना होगा काफ़ी, लेकिन मुझे लगा बेहतर होगा। हमने पहले फील्डिंग ही करनी थी, बैटिंग करनी थी क्योंकि बीच बीच के लिए अभी बढ़िया नहीं है तो स्कोर रन तो नहीं हो गया। इन तमाम शोबों में जो सबसे ज़्यादा कोशिश की गई वो यही है कि इनकी बेसिक्स अच्छी की जाए, जो टेक्निक है वो यहाँ इस लेवल पे ठीक की जाए। आफ्टर द टूर्नामेंट ये इवेंट था जो कि एनसीए में हुआ, तमाम कोचेज़ ने बड़े भरपूर तरीके से मेहनत के साथ और साथ ही साथ इन बच्चों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया वो बहुत ही खुशाइन है और हमें पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है इन शेप ऑफ अपकमिंग न्यू टैलेंट। अब हमें करना यह है कि इनके ऊपर और तवज्जो दी जाए, इन बच्चों को जब ये वापस जाएं तो इन्हें एक सिलेबस के तौर पर हमें इनको सीरीज भी दी गई हैं दी जाएंगी ताकि ये वो ट्रेनिंग जो यहाँ पर करते रहें, जो ड्रिल्स करते रहें, उसको कंटिन्यू कर कर अपनी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग को इम्प्रूव करें। हमारे बच्चों ने इसका आया 100 पिकअप एंड 100 रन थ्रो और बैटिंग स्टंट फ्रंट फुट और बैक फुट पंच और स्ट्रेट ड्राइव कवर ड्राइव कवर अच्छा कवर ड्राइव और कैचेस करने सिखाया। हमारे कोच ने बताया कि जब कैच लें और चिन के नीचे कैच लें और कट शॉट सिखाया और जब कैच पकड़ें लास्ट मोमेंट तक बॉल की तरफ नज़र होनी चाहिए। हमारे कोचेज ने मुझे पहले बॉलिंग के ज़रा एक्शन बताया कि बॉल को फिनिश किस तरह करना है, बैटिंग का फ्रंट फुट ड्राइव बैक फुट ड्राइव। सबसे अच्छा मुझे फ्रंट फुट और बैक फुट ड्राइव लगा, ठीक है, क्योंकि वो मैं मतलब जब आया था यहाँ पे तो बैट्समैन बनने के काबिल नहीं था, पर अब जब से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करना शुरू किया तो मैं अब लगता है कि मैं बैट्समैन बन सकता हूँ, अच्छा बैट्समैन। सर मोहतशम नाम एक ही आता है इसीलिए नहीं कहता, नहीं सब अच्छे तो बहुत हैं, सब सारे अच्छे हैं पर वो मजाक भी बहुत करते हैं हमारे साथ, तो फ्रेंडली मजा आता है, सारे फ्रेंडली हैं पर ज्यादा अच्छा उनके साथ। सख्त कोई भी नहीं लगता, सारे ही अच्छे हैं। फिटनेस कोच तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं,
यासिर सर बहुत अच्छे हैं वो, तो बेशक गलती हो हमारे से वो हमें डांटते नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें डांटते नहीं है, तो बहुत मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे कोच बहुत अच्छे हैं, वैसे कर एंजॉय में नहीं आते हैं, वैसे सवाल करते हैं, इस तरह हमें बहुत अच्छे जॉब देते हैं इसके, उसको हम फॉलो करते हैं मैच में, इससे हमारे जो बैटिंग है, कैचिंग, लॉन्ग कैचिंग, शॉर्ट कैचिंग, फील्डिंग, ये सब कुछ हमारा ठीक है, और फिटनेस में रनिंग स्प्रिंट का तरीका भी हमें सिखाया उसने, बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे सारे। हमारे सर ऐसे बहुत अच्छे हैं, हमें डांटते नहीं है और अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं जिसमें हमारा मसल पुल नहीं होता और इंजरी का कोई डर नहीं है हमें, सर बहुत अच्छे हैं। फील्डिंग कोच हमारे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमें इतना अच्छा सिखाया कि हमें किसी ने बताया ही नहीं। ऑब्वियसली 13 साल के बच्चे थे, इन्होंने शरारतें भी बहुत की और उसको हम बाद का लुत्फ अंदोज भी हुए और सम टाइम हमें थोड़ा सा गुस्सा भी आया, मगर वो गुस्सा इस हद तक नहीं था कि इन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स की, मगर छोटी मोटी शरारतें थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्किल्स आपके साथ हैं, जो आपने तवज्जो दे रहे हो इसका मैं भी पता लग रहा है कि आप उसकी तवज्जो ज़्यादा दे रहे हो, इसलिए आप उसके ऊपर फोकस हैं और वो चीज़ आपको याद है। डिसिप्लिन आपके साथ हम कर लेंगे हो जाएगा, उसको उसकी तवज्जो नहीं दे रहे आप, जिसकी वजह से आपका आज तीसरा दिन है फूल आज भी आपका बंद है। टफ पार्ट एज यू नो द एज 13, जल्दी भूलना, शरारतें करना, याद नहीं रखनी चीज़ें, शरारत से दूर करो, ये कोई चक्कर नहीं है कि आप शरारतों में डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं हो, आप 13 साल की उम्र में बच्चों को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, आज के बाद बच्चों प्रॉमिस करो कि कोई शिकायत नहीं मिलेगी हमारे शरारतों की बात है। सबको गाँव सबसे बेहतरीन बच्चे हैं, इनको एक दफा हम काम करो ये उसके बाद दोबारा काम नहीं करते, अगर इनको कह दो ना आज शरारतें नहीं करनी और लड़ाई झगड़ा नहीं करना तो ये आज के बाद शरारतें बिल्कुल ही करेंगे, फिर क्या हुआ आज मेरा दिल दुखाएगा। मैं इतना अफसोस हुआ मुझे, मैंने इतने अच्छे खेलने वाले बच्चे आज हमारा दिल दुखा रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि हमारा दिल दुखे? अच्छा नहीं लगता है आपका, आप यहाँ खुश खुश रहो और 2 हफ्ते के बाद जब जाओ तो आप यहाँ से खुशियां लेके जाओ, दिल्ली झुकाना किसी का, समझ आई? यू गाइस प्रॉमिस टू अस? यस सर। 3 दफ़ा मैं पाकिस्तान कप में नहीं गया, पिंडी इस्लामाबाद नहीं गया, जो इंजमाम साहब का भी फ़ोन आ रहा था, पीसीबी वाले कह रहे थे कि जाएं आप, बीइंग हेड कोच ऑफ एनसी आई हैव टू बी देयर टू कम्युनिकेट विद आर अदर कोचेस, बट मैं यहाँ से क्यों नहीं जा रहा, ये बच्चे ऑनेस्टली स्पीकिंग डिड लेट मी गो, इनके कुछ खत, इनकी कुछ बातें, इनके कुछ इनोसेंट सवाल, इनके कुछ जो 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 इनके नेचुरल फ्लेयर हैं, आई डोंट वॉन्ट टू मिस दैम। हम एक कप्तान की शक्ल में आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा था जब वो जो बड़े सर खेल रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इन्होंने एक पहला सीधा छक्का मारा और मैंने सोचा अगर ये खड़े हो गए तो ये हमें सही कह रहा है। मगर आपने बॉलिंग में कुछ चेंजेस की? मैंने इसे अमर करवाया। वो क्यों करवाया? सर मुझे पता था ये स्पिनर था, अगर ये सिंगल वगैरह ले लेते हैं इसे चार विकेट लग रहा है, फिर ये स्लो किया, इसने छक्का खाया, मैंने इसे ना तेज करो और थोड़ा सा पीछे करो। यहाँ पर आकर जब इन बच्चों के साथ काम किया तो बहुत ही हमने इंजॉय किया, क्योंकि बहुत से डिफरेंट चैलेंजेस हमको मिले, जो फर्स्ट टाइम बच्चे अपने घर से बाहर आए थे और उन्होंने आकर एक 12 दिन हमारे साथ गुजारे एनसीए में, और आई होप कि उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा और हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा।
आई होप पीसीबी के साथ इंशाल्लाह ताला और एनसीए का जो प्रोग्राम है, मैं अपने कोचेस के साथ बात कर रहा था कि अब इनको जाने नहीं देना, हम दे केम टू अस नाउ वी हैव टू गो टू देम। अब हम जो जो रीजन के बच्चे हमारे पास आए हैं, हम उनके पास तीन तीन चार चार दिन रहेंगे, उनके कोचेस से, उनके पेरेंट्स से, नॉट ओनली कोचेस, उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उनके साथ चाय शाय पियेंगे, गप शप लगाएंगे और उनको ये बताएंगे हमने ये सिखाया है। कैन यू जस्ट कीप कन्फर्मिंग योर चिल्ड्रन और योर बच्चा, आपका जो बच्चा है वो वही वर्क एथिक्स कर रहा है, वही प्रैक्टिस कर रहा है जो हमने उनको सिखा के भेजा है। और हम उनके कोच की भी बात सुनेंगे, ये नहीं कि हम सब कुछ अपनी तरफ से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, हम आज जो जितने भी फादर हैं इनकी भी राय लेंगे, उनके कोचेस की भी राय लेंगे कि इनके बच्चों के कौन से फ्लेयर हैं जो हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट्स अ कम्युनिकेशन गैप वी हैव टू कट डाउन, वो कम्युनिकेशन के लिए वी हैव टू बी इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की उम्मीद है हम दो दो तीन दिन की वर्कशॉप लगाएंगे, इनके पास जाएंगे ताकि बच्चे भी हमें देख के इनके इलाकों में खुश होंगे। तो आई थिंक दिस विन विन सिचुएशन फॉर अस। आई होप कि इन तमाम दिनों में इन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा होगा और इसको कंटिन्यू रखकर पाकिस्तान को कुछ बहुत ही अच्छे चंद खिलाड़ी हमें मिलेंगे और हमने यहाँ पर बहुत टैलेंटेड प्लेयर देखे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मेहनत को जारी रखेंगे तो अच्छे पाकिस्तान के खिलाड़ी फ्यूचर में हमें मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये सीख के कंटिन्यू करते हैं अपने रीजन्स, अपने क्लब्स में, अपने स्कूल्स में, तो आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी ये काविश ज़रूर रंग लाएगी, इन्हीं में से प्लेयर अंडर 16 में आएंगे और फिर आगे से आगे चलते जाएंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मुझे एक साल के बाद ये बच्चे बहुत डिफरेंट नज़र आएंगे और मेरे ख्याल में ये जो है फ्यूचर के स्टार्स हैं। ग्रेट क्रिकेट होती है ऑस्ट्रेलिया में, क्लब क्रिकेट जिसे कहते हैं, वो क्लब क्रिकेट में कहते हैं सैटरडे संडे खेलते हैं, वो क्या कहते हैं 90 ओवर का गेम खेलते हैं, 90 ओवर एक दिन बैटिंग करनी होती है एक टीम में, उसमें आप अगर 60 ओवर में आउट हो जाते हो तो देन गुड लक टू देम, वो 40 ओवर जो 30 ओवर रह जाते हैं, 20 ओवर रह जाते हैं वो अपोजिशन खेलती है, अगले अपने 90 ओवर्स भी खेलती है। सो पीपल शुड नो अबाउट द प्राइस ऑफ द विकेट ऑल्सो और पीपल शुड नो हाउ टू बॉल लॉन्ग ओवर्स। सो हम एक सजेशन लिखेंगे इंशाल्लाह, पेरेंट्स से भी पूछेंगे हम, खुद मेरी सजेशन ये होगी कोचेज़ के साथ मिलकर कि हम सिलेक्शन जूनियर सिलेक्शन कमेटी को एक उसमें अपनी फाइंडिंग बताएं, उसमें हम ये लिखें कि अगला जो ग्रुप आया अंदर 13 का वो 16 लड़के या 32 30 लड़के 20 लड़के हों 22 लड़के हों मैक्सिमम, ताकि हम 12 दो टीमें बना सकें और उनके लंबे दो दो दिन के मैच खेल सकें। अगर हम लंबे खेलेंगे, लंबा स्कोर करेंगे, लंबी इनको आदत पड़ेगी बैटिंग करने की, विकेट लेने के लिए दे शुड अंडरस्टैंड कि यू हैव टू बॉल गुड ओवर्स एंड दे इफ दे वांट टू गेट 100 दे नीड एटलीस्ट 80-90 ओवर्स, सो दे बेसिक्स विल बिकम बेटर एंड बेटर। इंशाल्लाह हम ये फाइंडिंग सिलेक्शन जूनियर सिलेक्शन कमेटी को देंगे कि नेक्स्ट जब इनका अंडर 16 का है तो हम ऐसे क्रिएट करें एनवायरनमेंट जहाँ पर इनको दो दो दिन का मैच खेलना पड़े। अंडर 19 के पास वो फ्लेयर नहीं है, वो जो बेस जो होता है ना एक स्पार्क नहीं है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं वेरी ऑनेस्ट विद माय ओपिनियन। यहाँ अंडर 13 और अंडर 16 के बच्चे जो हैं ना, इनके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जो हमें एक इंटरनेशनल फ्लेवर दे सकते हैं, इस वजह से मैं कह रहा था इनकी बेसिक्स ऑलरेडी तगड़ी हैं। आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू दैट रीजन्स कोचेज, आई वॉन्ट टू थैंक यू टू द पेरेंट्स, जितने भी ये जो पेरेंट्स आज आए हुए हैं मुझे उनसे इनकी बॉडी लैंग्वेज में चुपके देख रहा था, दे वर मोर इन्वॉल्व विद द चिल्ड्रन। और ये शायद मेरा ख्याल है थोड़ा सा 2-4-5-10 साल पहले पेरेंट्स लैग कर रहे थे और रीजन के कोचेज लैग कर रहे थे, तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं। अंडर 19 और इनमें क्या डिफरेंस है, दे हैव अ वेरी नेचुरल फ्लेयर, दे गॉट मोर सॉलिड टेक्निक्स एंड आई थिंक सम हाउ दी अदर द क्रेडिट गोज टू द क्लब क्रिकेट एंड देयर रीजन कोच। आप लोगों ने जाके बातें भूलनी नहीं, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, अच्छा बच्चा बनना है, बुरे लोगों से बचना है, नमाज पढ़नी है, इंशाल्लाह इसी तरह जो आपने स्कूल से सीखा है वो जाके उधर प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आप दिन ब दिन अच्छे प्लेयर बनते जाओगे इंशाल्लाह। I just want to say thank you to the all the parents. I want to say thank you very very much to them. क्योंकि इन्होंने हमें शहीन दिए हैं, ये जो 36 बच्चे आए हैं ये हमारे शहीन हैं, ये हवाओं के ख़िलाफ़ लड़ेंगे भी, ये
ये तूफानों के साथ लड़ेंगे भी, मगर इनमें से जब पाकिस्तान का झंडा कोई इंग्लैंड की सरजमीन पर, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे आके जब ये मैन ऑफ द मैच या जब पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, यू एंड द पेरेंट्स एंड द होल द पाकिस्तान विल बी प्राउड ऑफ देम। बिहाफ ऑफ पीसीबी वी वुड लाइक टू से थैंक यू द होल द पेरेंट्स एंड द होल द पाकिस्तानी इंडियन फेसबुक पे हमें सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को, थैंक यू वेरी मच। हर मैच को डिफरेंट कैप्टन बनाया, ये चौकों की तमाम क्या